अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास, फर्स्ट ईयर वाले हो जाएं होशियार और साथ खबरदार, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हैं रमज़ान में। एक और ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो हैं रमज़ान में, और एक या दो एग्ज़ाम्स हैं आपके ईद के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर डेट शीट 2019 ऑल पंजाब बोर्ड्स, जहाँ भी आप रहते हैं, लाहौर, सरगोधा, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, जहाँ भी आप हैं, उन सब की डेट शीट है ऑल पंजाब बोर्ड्स की। सबसे पहला जो आपके पास एग्जाम्स है वो है आपके पास 23/5/2019 को। दिन कौन सा आ रहा है? दिन आ रहा है जुमेरात, और जुमेरात को कौन सा पेपर आ रहा है? सबसे पहला पेपर है आपका 23/5/2019 को केमिस्ट्री का। ये एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग का पेपर है केमिस्ट्री का, और यहाँ पे आईसीएस में जिन्होंने स्टैट रखी हुई है और उनका पेपर है। अगर आपको केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर चाहिए तो मैं आपको उसके गेस्ट पेपर दिखा सकता हूँ। ये देखें केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर चैप्टर 1 के हैं हमारे पास, चैप्टर 2 के हैं हमारे पास, इसके बाद केमिस्ट्री के टोटल 11 चैप्टर के हमारे पास MCQs अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के MCQs एंड गेस्ट पेपर 2019 अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास पेपर है वो हमारे पास है बहुत ही पूरे हफ्ते का जो बड़ा सरदार दिन है वो कौन सा है? फ्राइडे। हमारे पास पेपर है फ्राइडे को, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, असूल तिजारत का। ये है हमारे पास पेपर किसका? आईकॉम वालों का। इसके बाद हमारे पास जो पेपर है वो है हमारे पास 25/5/2019 को, कौन सा पेपर है? सैटरडे का दिन है, और सैटरडे को हमारे पास फिजिक्स का पेपर है। ये कौन सा पेपर है? एफएससी प्री मेडिकल का होगा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग का होगा, और आईसीएस में जिन्होंने फिजिक्स रखी होगी काके उनका पेपर होगा। फिजिक्स के भी हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है, ये देख लें फिजिक्स के MCQs चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इनर वाले, बैक वाले, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, सब चैप्टर के अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपने इसको अपने MCQs को, गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा। सो इसके बाद जो हमारे पास पेपर है वो पूरी कुल कायनात का पेपर है, एफए वालों का पेपर है, प्री मेडिकल वालों का पेपर है, प्री इंजीनियरिंग वालों का पेपर है। कौन सा पेपर है हमारे पास? इंग्लिश का पेपर है। कब पेपर है? 27/5/2019 को, मंडे वाले दिन हमारे पास इंग्लिश का पेपर है। इसके बाद सिर्फ हमारे पास पेपर है हमारे पास 29/5/2019 को, बुध वाला दिन है, और इस दिन हमारे पास कौन सा पेपर है? इस दिन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर है। ये हमारे पास आईकॉम वालों का पेपर है। इसके बाद हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों का पेपर है, कौन सा? 30/5/2019 को, जुमेरात वाले दिन हमारे पास पेपर है बायोलॉजी का और मैथ्स का। इसके साथ हमारे पास मैथ्स के भी MCQs अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको ये देखें मैथ्स के MCQs चैप्टर 1 के, इसके बाद चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के, चैप्टर 14 तक, और इसके बाद ये देखें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास बायोलॉजी के भी अवेलेबल है। इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा, और जिसने हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद हम बात करते हैं 31/5/2019 को हमारे पास फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कौन सा पेपर है? इस्लामिया एजुकेशन यानी कि इस्लामिया कंपल्सरी का पेपर है। इसके बाद हमारे पास 1/6/2019 यानी कि जून की पहली तारीख 2019 को सैटरडे है, और सैटरडे वाले दिन कौन सा पेपर है हमारे पास? उर्दू का। इसके बाद हमारे पास कौन सा पेपर है? 3/6/2019 को पीर वाले दिन हमारे पास पेपर है। किनका पेपर है? आईसीएस वालों का पेपर है। कौन सा पेपर है? ये हमारे पास पेपर है आईसीएस में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखी हुई है उनका पेपर है। इसके बाद हमारे पास कौन सा पेपर है? फिर ईद के बाद, ईद के फौरन बाद आईकॉम वालों का पहला पेपर है, कौन सा? 10/6/2019 को कौन सा पेपर है? मंडे को कौन सा पेपर है? बिजनेस मैथ्स का। इसके बाद आईसीएस वालों का पेपर है 11/6/2019 को, थर्सडे ट्यूसडे को पेपर है इनका कंप्यूटर साइंस वालों का। और इसके बाद लास्ट जो पेपर है वो हमारे पास 12/6/2019 को वेनसडे वाले दिन कौन सा पेपर है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है फर्स्ट ईयर डेट शीट 2019। अगर आपने ये गेस्ट पेपर, कौन कौन से गेस्ट पेपर है हमारे पास? मैथ्स, फिजिक्स,
इंग्लिश उर्दू इस्लामियात के, अगर आप अपने गैस पेपर, इस गैस पेपर को अपने घर मंगवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है 9th, 10th, 1st year, 2nd year में, तो उनसे पूछ के देख लें, अगर आपके ये गैस पेपर आपके लिए कारामद साबित ना हुए, आप हमें वापस भी कर सकते हैं। इनकी जो टोटल प्राइस है वो है आपके पास डिलीवरी चार्जेस समेत वो है 1000 रुपीज़। TCS वाले आपको इन गैस पेपर को आपके घर हैंड ओवर करके जाएंगे। इस नंबर पे आपने लाजमी अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दीजिए, विद इन 2 डेज ये गैस पेपर आपके घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट आपका रह गया तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उस कमेंट का मैं रिप्लाई लाजमी करूँगा। अपने अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रमज़ान के रोज़े दिल लगा कर रखिएगा।